मैं बोल नहीं पाऊंगा। राम या सबंध हम सभी जानते हैं, इस त्याग और भावना से प्रेरित प्रोत्साहित करने के लिए हम सभी ने सुना है, जाना है, माना है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रामत्व की मानना है। ये उनके व्यक्तित्व का पहला श्रेष्ठ गुण है कि हमेशा धैर्य और त्याग के साथ में अपने व्यक्तित्व का निरूपण कीजिए, उसका वहन वर्ण कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व की चारित्रिक विशेषता जो दूसरी मुझे आकर्षित करती है वो है समता, समरसता और सहजता। एक तो समत्व का भाव है उनके व्यक्तित्व में, दूसरा उनकी वाणी में समरसता है, तीसरा वो बहुत सहज है, वो बहुत सरल है। एक उर्दू का अल्फाज है, उसको मैं हिंदी में रूपांतरित करके आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। प्रतिष्ठा पाना सरल है, पैसा कमाना सरल है, ज्ञान प्राप्त करना सरल है, लेकिन सरल होना इतना सरल नहीं है। इट्स नॉट सिंपल टू बी सिंपल, सरल होना इतना सरल है। राम के व्यक्तित्व की है कि वो सरल बहुत है, वो तरल बहुत है, वो सबके साथ मिल जाते हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं कि मैं दशरथ पुत्र या दशरथ नंदन राम हूं। तो उनके व्यक्तित्व में समत्व, समरसता और सहजता, ये ऐसे गुण है जो हम सभी को आकर्षित करते हैं। मैं कुछ प्रसंगों से आपका ध्यान जोड़ना चाहता हूं। जब उन्होंने अयोध्या का त्याग किया तो वह अयोध्या के पार अपने बचपन के सखा श्रृंगवेरपुर के राजा निषादराज गुह के पास पहुंचे थे। निषादराज गुह की जो नगरी है श्रृंगवेरपुर, उसे श्री राम का नाता पुराना है। श्रृंगवेरपुर क्या जिसका निर्माण जिसने किया था वो थे श्रृंगी ऋषि, दशरथ के दामाद थे, जमाई थे। राम चाहते तो वहां पे ऐश्वर्य से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने किसका आतिथ्य स्वीकार किया, निषादराज गुरु का। उनके बचपन के सहपाठी थे। निषादराज सामाजिक समरसता के उस पायदान पे नहीं थे जिस पे श्री राम थे, लेकिन राम आसानी से रुके उनके पास में जाके। ये वही स्थान है श्रृंगेरपुर जहां श्री राम ने राजसी वैभव और राजकीय संसाधनों का त्याग कर दिया था। उन्होंने वस्त्र पहन लिए कि अब इसके बाद में अयोध्या की झलक मेरे व्यक्तित्व में नहीं दिखनी चाहिए, ये समत्व का एहसास है। इसकी अगली यात्रा में, इसके अगले पड़ाव में हम कैवट और उनकी अर्धांगिनी पार्वती को देखते हैं। कैवट जो गंगा का मल्लाह है, कैवट को इस बात का ज्ञान है, आभास है, आभास उसको एहसास है कि वो ये महापुरुष हैं जो शिला को स्त्री में तब्दील कर देते हैं। इनके स्पर्श मात्र से ही कुछ का कुछ हो जाता है। अब गरीब मल्लाह है, उसने प्रभु से ये इच्छा व्यक्त की कि प्रभु मेरी नाव तो काट की है, आपने स्पर्श कर दिया तो ऐसा ना हो जाए मेरी रोजी रोटी मारी जाए, मैं पहले प्रयोगात्मक रूप से आपके चरण स्पर्श को धो के देखना चाहता हूं। बड़ी सहजता से उन्होंने उत्तर दिया, मन में संशय मत लो, संदेह मत लो, करो जो करना है। हम सभी जानते हैं केवट ने पांव धोए, वो एक प्रयोगात्मक क्या, उन्होंने मना कर दिया। अब देखो एक व्यक्ति जो बिल्कुल नीचे है वो बड़ी सहजता से, विनम्रता से, बड़े से बात कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभु जिस आसानी के साथ मैंने आपको एक गंगा पार करा दिया, आप समय आने पे इस भव सागर को मुझसे पार कराते हैं, इस भव सागर से मुझे पार लगा देना। उन्होंने सहजता से उत्तर दिया कि बिल्कुल समय आएगा तो मैं साथ हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया था कि सुख दुख में जो समरस रहे जीवन वही मानो, राजमहल हो या वनगमन दोनों एक समान। राम ने महल छोड़ा है, संस्कार नहीं छोड़े, पिता छोड़े, पिता की सीख नहीं छोड़ी। ऐसे रामत्व का जो गुण मुझे आकर्षित करता है वह समत्व,
वो पहला दिखाई देता है श्रृंगवेरपुर के निषाद राज गुह और दूसरा दिखाई देता है केवट और उसकी अर्धांगिनी पार्वती के प्रयोग धर्मिता में। तीसरा आप एक प्रसंग जो हम सभी जानते हैं वो ये है कि रावण वध होने के उपरांत उन्होंने अपने अनुज से कहा था कि देह के पास में जाओ, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लो, उसके बाद विदा करेंगे इन्हें। तो व्याकुल और अल्पज्ञ लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु ये क्या, कल तक तो शत्रु था। तब उन्होंने कहा कि शत्रुत्व हमें रावण से था, लेकिन वह व्यक्ति वो है जो सबसे बड़ा शिव भक्त है, संस्कृत का प्रकांड आचार्य है, उसमें कुछ सद्गुण भी थे, वह सदगति को प्राप्त हुआ। ये सीख हमें सिखाती है कि सहज होना कितना आवश्यक है। बिना किसी कारण के शत्रुत्व अगर हम ले लें तो शत्रुत्व से, शत्रु से हमें बैर होना चाहिए। व्यक्तित्व ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, दुर्योग से हम कुछ कुसंस्कारों में हो गया था, अब उसे सदगति मिल गई है, अब हमारे उससे कोई शत्रुत्व का अभाव नहीं होना चाहिए। ये राम और श्री राम का होने का अर्थ है। श्री राम की जो समत्व का भाव है, उनमें जो सत्व के सातत्यता है, वो समाज को एक समग्र रूप से देखते हैं और समाज का आधा भाग होता है स्त्री। नारी सशक्तिकरण का जो पाठ अब हमारे पाठ्य पुस्तकों में आ गया है, मुझे लगता है कि वो सजीव सबसे पहले श्री राम ने ही किया था। उनके जीवन से संबंधित कुछ महिला पात्र हैं, उनमें से प्रथम जो नाम आता है वह माता अहिल्या। माता अहिल्या जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है, माता अहिल्या जो गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है, इंद्र और चंद्र ने छल किया, कुचेष्टा की और एक आरोप लग गया उनके व्यक्तित्व के ऊपर, और गौतम ऋषि ने उस स्त्री को शिला में रूपांतरित कर दिया। ताड़का नामक राक्षसी का वध करने के उपरांत जब विश्वामित्र के साथ में श्री राम और लक्ष्मण जा रहे थे, तो एक वीरान स्थान को देख के श्री राम ने जिज्ञासावश पूछा, ये क्या है, इतना वीरान क्यों है, लेकिन वीरान होते भी तो मनोहारी क्यों है, यहाँ पर कोई कलरव ही नहीं है, फिर भी इतना आकर्षण क्यों है। विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसा ये है, इस शिला को आप स्पर्श दें, स्त्री में वो तब्दील हो गई। आप और मैं जानते हैं कि सब कुछ प्रतीकात्मक है, ये कोई जादू नहीं हुआ, ये प्रतीक कह रहा है। इंद्र और चंद्र ने जो छल किया, उस महिला के व्यक्तित्व पे एक आरोप लग गया, समाज ने उसे बहिष्कृत कर दिया, पति ने उसका त्याग कर दिया, लेकिन उसे स्पर्श देके, उसे स्नेह आशीर्वाद, उसे उपदेश देके वापस से समाज की मुख्य धारा में जिस व्यक्ति ने जोड़ा, वो प्रभु श्री राम है। उनके व्यक्तित्व की जो दूसरी आधारशिला में दिखाई देती है वो माता सीता में है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे निवेदन किया था कि माता सीता वो है जिसे सिर्फ वनगमन नहीं, अभी तो वनगमन के सामने 14 वर्ष लग गया था, लेकिन आप पूरे रामायण के वृतांत में पाएंगे, रामायण और रामचरितमानस दोनों में पाएंगे कि केकई का संबोधन मात्र केकई नहीं हुआ, केकई का संबोधन सदैव माता सीता, माता केकई के रूप में हुआ है। जैसे वो माता कौशल्या कहते हैं, वैसे माता केकई भी है। कोई शत्रुत्व का भाव नहीं, तुम्हारे मन में जो था तुमने किया, मेरे मन में है वो मैं करूंगा। ये बड़ा अच्छा भी है कि कांटा अगर चुभन नहीं छोड़ सकता तो फूल को अपनी सुगंध भी नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने अपनी सुगंध कभी नहीं छोड़ी। जब चित्रकूट में माता केकई उनसे मिलने के लिए आई, तो अनुज लक्ष्मण को कहा था कि सबसे पहले माता केकई के चरण स्पर्श करो, वह पश्चाताप की अग्नि में झुलस रही है। ये रावण श्रृंगवेरपुर के बाद में केवट और केवट के बाद में जब वो चित्रकूट पहुंचे तो वाल्मीकि ऋषि ने उनका स्वागत किया था, मंदाकिनी नदी के तट पर उन्होंने कुटिया बनाई, और ये कुटिया ही साक्षी कि माता केकई जब दूसरी बार राम से मिलती है तो राम ने कहा था कि चरण स्पर्श पहले माता केकई के किए जाए, उन्हें बहुत पश्चाताप हो रहा है। वो समझते थे कि पश्चाताप माफी से भी बड़ा गुण है, ये बड़े समाज में होता है कि वो अपनी गलती जाने, गलती को माने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वहां मर्यादा दी। और देखिए इसी प्रसंग में चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर इसी प्रसंग में हम देखते हैं भरत मिलाप, उन्होंने पिता के देहावसान का प्रसंग उन्हें सुनाया, वो बड़े व्याकुल हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बीच में नहीं छोड़ सकता पिता की आज्ञा। तब भरत उन्हें कहते हैं कि प्रभु ये चरण पादुकाओं को स्पर्श दे दो, अब राजधानी उन्हीं से चलेगी। बड़ा मार्मिक प्रसंग ये आया कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाऊ है अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश खड़ाऊ धर लिया ऐसे, सीताराम जी संग हो जैसे, अब इन्हीं की छाओ में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ये भातृत्व का भाव सिर्फ देने से मिलेगा,
स्वामी विवेकानंद बड़ी अच्छी पंक्ति कहते हैं, जो झुक सकता है वो दुनिया को झुका सकता है, और जो झुक नहीं